नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बात करेंगे हम यूपी की, जहां ये कहा जाता है कि यहां करप्शन के खिलाफ यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। यहां अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो बच नहीं पाएगा। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि यहां समस्या इतनी भयंकर हो गई है, या यूं कह लीजिए कि समस्या इतनी विभत्स हो गई है कि एक बीजेपी एमएलए को ही खुलकर सामने आना पड़ा है, वो भी करप्शन के ही एक मामले को लेकर। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। कानपुर में एक पुल का निर्माण होता है और इस पुल को बनाने में पूरे के पूरे 3 साल लगते हैं। कितने? 3 साल। लेकिन ये पुल बनकर तो तैयार होता है 3 साल में, लेकिन ये ढह जाता है मात्र 2 महीने के अंदर। 2 महीने पहले ही इस पुल का उद्घाटन हुआ, लेकिन अब ये पुल जो है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। पुल के ज्वाइंट जो हैं वो जगह जगह से खुल चुके हैं और इसका खुद पर्दाफाश किया है, खुद इसका खुलासा किया है बीजेपी के विधायक हैं कानपुर से सुरेंद्र मैथानी जी, फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर विस्तार से उनसे हम चर्चा करेंगे, जानकारी भी हासिल करेंगे और ये भी जानेंगे कि वाकई में जो कहा जाता है यानी कथनी और करनी में अंतर नजर आ रहा है क्या। मैथानी साहब, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। जी अमित जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। मैथानी साहब, मैंने वो वीडियो आपका देखा है और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है आपका, जो आप वहां पर पुल पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर किस तरीके से जो ज्वाइंट्स हैं वो खुले हुए हैं, और उसमें आप बता भी रहे हैं कि भैया 100 साल तक इस पुल को चलने की बात हो रही थी, ये तो 2 महीने भी नहीं चला। आपने जब निरीक्षण वहां पर किया, मैथानी साहब, क्या कुछ पाया आपने वहां? हाँ, देखिए, चूंकि पूरे देश में मोदी जी अपनी ईमानदार सरकार चलाने के लिए जाने जाते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी ईमानदारी से अपनी सरकार के लिए चलाने के लिए जाने जाते हैं, और जब इतने ईमानदार मुख्यमंत्री हो जो हम लोगों के एक आग्रह पर डेवलपमेंट की तमाम योजनाएं दे देते हो, तो मोदी जी और योगी जी के आंख कान नाक हम लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में, और हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके द्वारा योजना तो दे दी गई और जनता को गुणवत्ता से के साथ वो योजना समर्पित हो, इसकी नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। अभी इस पुल का निर्माण कोरोना कालखंड के पहले से हुआ, जो एक 32 करोड़ का एक लगभग पुल था, एक 29 करोड़ का, लगभग 61 करोड़ के 2 पुल, जिसमें इसके निर्माण के काम को प्रारंभ कराया गया था जी। और कोरोना में चूंकि सभी जगह काम प्रभावित हुआ तो 3 साल बाद ये बन करके लगभग तैयार हुआ, और 2.5 महीने में ही ये पुल जर्जर हो गया, उसके ज्वाइंट्स को बदलने का नंबर आ गया। जब वहां के लोगों ने मुझे बताया, तो चूंकि मैं टेक्निकल व्यक्ति नहीं हूं, तो मैं जो रिटायर्ड ब्रिजों के आर्किटेक्ट हैं, जो स्ट्रक्चर डिजाइनर हैं, उनको लेके मौके पर गया। मैंने कहा, भाई साहब जरा इसको देखिए कि इसमें क्या है। तो इन लोगों ने देखा, जब देखा कि ज्वाइंट्स की जगह वो सरिया के टुकड़े डाल के रेतीली उससे गुणवत्ता विहीन निर्माण सामग्री से उसको ढक दिया गया, तो मेरे चेहरे पे एकदम से माननीय योगी जी का वो आ गया, ध्यान में आ गया, क्योंकि माननीय योगी जी हम लोगों को एक एक चीज पर सख्त निर्देश देते हैं, और अगर मैं इसको तुरंत माननीय अपने मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली के अनुरूप अगर इसको मैं नहीं खोलता, तो आप ये मान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुझ पर कार्रवाई कर देते, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक बार एक हत्या भी हुई तो उनके तुरंत मुझसे जवाबदेही उन्होंने ली, और जब मैंने उस पर आगे बढ़ करके उनकी मदद करी तो उन्होंने उनके जिसकी डेथ हुई थी उसकी पत्नी को KDA डेवलपमेंट अथॉरिटी में OSD बना दिया। जब उनकी ऐसी ईमानदारी वाली कार्यशैली है, तो हम उनकी आंख और कान नाक के तरीके से अपने क्षेत्र गया, और मैंने इस बात को जी मैं आपसे विधायक जी ये जानना चाहता हूं कि जैसी सूचना आई जी जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे पहले मेरी जब अच्छा चलिए बोल लीजिए। मेरी जानकारी में जब आया तो जिलाधिकारी कानपुर नगर को मैंने कहा एक समीक्षा बैठक में, हमने कहा इसकी जांच करा लीजिए। उसकी जांच उन्होंने जांच करने के लिए भेजा, उसकी रिपोर्ट अब मुझे पता लगी कि उसकी रिपोर्ट आई कि 9 महीने पहले ही उसको IIT की जांच मंगा ली गई। मैंने कहा, भाई वाह, सेतु निगम के कुछ ऐसे अधिकारी और कुछ ऐसे इंजीनियर जो साजिशन हमारी सरकार और ईमानदार मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। बच्चा 9 महीने बाद पैदा होता है, पैदा होने के बाद स्वस्थ बच्चे का सर्टिफिकेट 9 महीना पहले ले लोगे, बिल्कुल सही बात है। का प्रमाण नहीं, लेकिन सुरेंद्र मैथानी जी, आपको पता है पर गया जी, तो वहां मौके पर मैं आपकी बात को समझ गया, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, गया जी, तो मैंने देखा कि ज्वाइंट्स को बदला जा रहा है। हाँ, मैंने देखा था वो ज्वाइंट्स को बदला जा रहा है। अरे, जिस ज्वाइंट्स को हम लोगों ने
जिस ज्वाइंट्स को हम लोगों ने नरेंद्र मोहन सेतु में 25 से 30 साल बाद बदलवाया, झगरगटी का एक पुल है उसको 40 साल के बाद बदलवाया, तो उसको ज्वाइंट्स को 2.5-3 महीने में बदलने की क्या जरूरत पड़ी है? रिपेयर भी अगर आप कर रहे हो तो क्यों रिपेयर की जरूरत पड़ी? आप इसका मतलब यही प्रमाण है आपके भ्रष्टाचार का। मैंने एक पत्र फिर लिखा, IIT के डायरेक्टर को लिखा कि मैंने कहा कैसे आपने 9 महीने पहले बिना पुल बने, इसका कौन व्यक्ति है जिसने साइन करके इनको सर्टिफिकेट दे दिया, पुल बना नहीं और सर्टिफिकेट पहले दे दिया IIT के, उस व्यक्ति की जांच करिए, वो भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा, इसके तथ्यात्मक जाकर के मैं उनसे मिलूंगा, क्योंकि उस पुल पर जब मैं गया हूं तो जो हालत मैंने उसकी देखी है, गड्ढा, पुल पर गड्ढा दिख रहा है पूरा, मसाला मैंने सैंपल भरवाया, ये मामला जो है मैंने सैंपल दिया, मैंने इसकी जांच, हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे, IIT और SBTUI जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मामला है वो सीएम साहब के संज्ञान में आ चुका है, आप डाल चुके हैं उनके संज्ञान में या अभी उनके संज्ञान में नहीं है ये मामला? क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मसला है, आप समझिए ना, 3 साल इस पुल को बनाने में लगते हैं और 2 से 2.5 महीने के अंदर वो धाम हो जाता है, जानकारी कितनी कितनी गंभीर गंभीर मसला है ये। और आप देखिए पनकी धाम जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको कितनी समस्या हो रही है। हाँ, मैंने लिख करके भी दिया है वहां पर, दिनेश कुमार यादव मुख्य परियोजना निदेशक है, कैसर मंसूर अंसारी सहायक परियोजना, अजय सिंह परियोजना निदेशक, संतु स्वरूप बनर्जी और कौशल कुमार अवर अभियंता जो PWD से इस पुल को बनाने के लिए अटैच किए गए थे, और ठेकेदार कंपनी द सर्टेन करके वो ये कंपनी है, इन लोगों ने मिल करके और इस पर ये पलीता लगाने का असफल प्रयास है, किया है। समय है नहीं, और इसके समय बहुत कम है, मैं आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं सर, आप सेतु निगम के अधिकारी रमाशंकर यादव जी को इन्होंने कमेटी का अध्यक्ष बनाकर जांच करने के लिए भेजा, सर मेरा अखिलेश यादव जी ने इस पर ट्वीट किया, अब मैंने अखिलेश यादव जी से ट्वीट पे, हाँ मैं उन्हीं उन्हीं अखिलेश यादव को लेकर सवाल आपसे, मैंने कहा अखिलेश यादव जी से, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं रमाशंकर यादव जी कहते हैं दिनेश यादव कि आप नौटंकी कर रहे हैं, ये सब अंसारी को बचाने के लिए जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये सब नाटक कर रहे हैं, ये आप बताएं ना अखिलेश जी, जवाब दें कि दिनेश यादव को क्यों बचा रहे हैं, रमाशंकर यादव, रामशंकर यादव जो हेड बन करके आया उसको क्यों बचा रहे हैं, कैसर मंसूर अंसारी को क्यों बचा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे मेरे पास हमारी सरकार, मेरे पास समय इतना ही है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर से चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं सोम्या के पास।